हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए आज हम बीएससी फर्स्ट सेम का इसका पार्ट बी स्टार्ट करेंगे। पार्ट बी इंटीग्रल कैलकुलस, और इसमें हम सबसे पहले चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 है हमारा बीटा एंड गामा फंक्शन। बीएससी फर्स्ट सेम में हमारे दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो आज हम ये पार्ट बी स्टार्ट करेंगे। और पार्ट बी में सबसे पहला चैप्टर हमारा हम ये पढ़ रहे हैं अभी। इसमें वैसे इससे भी पहले चैप्टर है, वो भी सब कराए जाएंगे। सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बीटा एंड गामा फंक्शन। तो समझ लीजिए बीटा एंड गामा फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए बीटा फंक्शन क्या होता है। सभी देखिए, सभी यहाँ पर बीटा फंक्शन क्या होता है, तो सभी हेडिंग लिख लेंगे बीटा फंक्शन। दी डेफिनेट इंटीग्रल, कोई निश्चित समाकलन, जिसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो, 0 से लेके 1 तक, एक्स की पावर एम माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx, फोर एम ग्रेटर देन 0, n > 0 इज कॉल्ड बीटा फंक्शन एंड डिनोटेड बाई bmn, और पढ़ते हैं हम इसको बीटा mn। कोई निश्चित समाकलन जिसकी लिमिट 0 से लेके 1 हो, x की पावर m माइनस वन, 1 माइनस x की पावर n-1 dx, फोर जहाँ m बड़ा है किससे, 0 से, और n भी बड़ा है किससे, 0 से, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल ही क्या कहलाता है, बीटा फंक्शन कहलाता है, जो किससे डिनोट किया जाता है, बी एम एन। और क्या पढ़ते हैं हम इसको, बीटा एम एन पढ़ते हैं। तो इस प्रकार बीटा एम एन की जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, 0 to 1 एक्स की पावर एम माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर (dx). इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन, तो बीटा एम एन बराबर होता है बीटा एम एम की। बीटा एम एन किसके बराबर होता है, बीटा एम एम की। सेकेंड प्रॉपर्टी, बीटा एम एन बराबर होता है फैक्टोरियल एम माइनस एन, एम माइनस वन इंटू फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल एम प्लस एन माइनस वन। जब ये फैक्टोरियल है तो इसमें जो एम एन होते हैं, ये वेयर एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स। एम और एन क्या होते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो चलिए सभी लोग इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करेंगे, पेज नंबर हमारा है I-89, और जो हमारी बुक है ये बुक हमारी कृष्णा प्रकाशन की बुक है। तो ये वाली हमारी बुक चलेगी इंटीग्रल कैलकुलस, कृष्णा प्रकाशन की बुक है ये। पार्ट कौन सा है इसका, बी पार्ट है ये। तो सब इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और इसके बाद तुम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, पेज नंबर कौन सा है, I-89 पेज देखिए सब। चलिए तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, बुक में देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन बीटा फंक्शन। कुछ इंटीग्रल दे रखे, इनको हमें एक्सप्रेस करना किसमें, किसकी टर्म में करना, बीटा फंक्शंस की। तो एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एक इंटीग्रल दे रखा 0 to 1 एक्स की पावर एम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n (dx), एम बड़ा है किससे, -1 से, और n भी बड़ा है किससे, -1 से। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रल है इसको एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा, 0 to 1 लिमिट हो, x की पावर
m माइनस वन हो और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स बराबर किसके होता है, बीटा एम एन के बराबर होता है। तो इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में लिखने के लिए 1 माइनस एक्स की फॉर्म होनी चाहिए और यहाँ क्या आ रहा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा। यदि तुम्हारे सामने इंटीग्रल ऐसा भी आ जाए कि वाई आ जाए यहाँ वाई और यहाँ भी क्या आ जाए वाई और यहाँ क्या आ जाए डी वाई, जब भी किसके बराबर होगा ये, बीटा एम एन के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ इसकी पावर कितनी आ रही, दो पावर आ रही, जबकि पावर कितनी होनी चाहिए, एक पावर होनी चाहिए। तो इसमें देखिए क्या मान लीजिए, लेट एक्स स्क्वायर को क्या मान लीजिए, इसमें वाई मान लीजिए। तो ये बताना एक्स कितना आएगा यहाँ से, वाई की पावर 1/2। डिफरेंशिएशन करना इसका, डी एक्स कितना आएगा 1/2, वाई की पावर बोलना क्या हो जाएगी माइनस के 1/2 इंटू क्या हो जाएगा डी वाई। इसकी लिमिट भी चेंज करिए, इसकी लिमिट भी चेंज करिए, बहन एक्स बराबर यदि कितना हो 0 तो वाई बराबर कितना आएगा, एक्स बराबर 0 रखेंगे तो वाई कितना आएगा 0, वहन एक्स बराबर कितना 1 है ना, अपर लिमिट 1 है तो वाई बराबर कितना आएगा, यहाँ रखेंगे तो वाई एक्स बराबर 1 रखेंगे तो वाई बराबर कितना आएगा, तो लिमिट अब भी क्या रहेंगी हमारी 0 से 1। तो देखिए इंटीग्रल क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 0 से लेके 1, एक्स स्क्वायर को क्या मानना हमने वाई मानना, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे रखना ज़रा, वाई की पावर क्या हो जाएगी एम बाई टू, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना 1 माइनस वाई की पावर, डी एक्स का मान रखना 1/2 वाई की पावर माइनस 1/2 इंटू डी वाई। तो इसमें 1/2 को बाहर ले लीजिए, 1/2 को तो कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, लिमिट कितनी 0 to 1, वाई की पावर इन्हें एक साथ लिख लेंगे, वाई की पावर बोलना इनको जोड़ना एम माइनस 1/2 हो जाएगा 1 माइनस वाई की पावर एन इंटू कितना डी वाई। अब सभी यहाँ ध्यान दीजिए, हमने जो अभी फार्मूला पढ़ा क्या पढ़ा, 0 to 1 लिमिट हो, एक्स की पावर क्या हो इंटू क्या हो इंटू डी एक्स हो, तो किसके बराबर होता है, बीटा एम एन के बराबर होता है। अभी देखिए इस फॉर्म में आ गया क्या है, अभी इस फॉर्म में तब आएगा, इसमें अपने पास से 1 जोड़ दीजिए 1 घटा दीजिए, जो x की पावर m है तो उसमें कितना घटा हुआ होना चाहिए 1। अब जैसे n माइनस 1 होना चाहिए और यहाँ क्या आ रहा n आ रहा, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इनमें एक जोड़ना पड़ेगा और एक घटाना पड़ेगा। इस फॉर्म में बनाने के लिए इस इंटीग्रल को ध्यान दीजिए सब यहाँ, इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में बनाना, तो भैया यहाँ पर क्या लिख रहा है, एक्स की पावर एम माइनस 1, तो बाहर तो कितना 1/2, लिमिट कितनी 0 to 1, वाई की पावर एम माइनस 1/2 प्लस 1 और माइनस 1 कर लीजिए, और यहाँ से बोलिए 1 माइनस वाई की पावर एन प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी वाई। इसमें एलसीएम लेके ये बताइए क्या बचेगा, तो ये बचेगा भैया कितना 1/2 लिमिट 0 to 1 वाई की पावर 2 आएगा तो क्या बचेगा m प्लस 1/2 1 माइनस वाई की पावर n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी वाई। किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना इसको हमें, बीटा एम एन की फॉर्म में लाना। तो बीटा एम एन की फॉर्म में लाने के लिए ये देखिए, अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था, लिमिट यदि कितनी हो 0 to 1 हो और x की पावर कितना और 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स हो, तो यहाँ देखना m की जगह कौन है, m की जगह कौन है m प्लस 1/n की जगह कौन है, तो ये तो हमारा बीटा एम एन के बराबर होता था, तो ये बताइए किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 तो बाहर है, ये किसके बराबर हो जाएगा, बीटा
एम प्लस वन बाई टू एन प्लस वन। बात समझ में आई? तो हमने इस इंटीग्रल को बीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इसने यही कहा था, क्या कहा था इन्होंने, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन टर्म्स ऑफ बीटा। तो किसकी टर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया? बीटा की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, सभी लोग नोट करिए इसको। चलिए इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए सब। चलिए तो एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इंटीग्रल दिया 0 टू 1 एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स। एक्सप्रेस करना है इसको किस में? ठीक है, ठीक है, तो बीटा फंक्शन में इसको हमें एक्सप्रेस करना। तो बीटा फंक्शन में एक्सप्रेस करने के लिए इसको हमें किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा? 0 टू 1 एक्स की पावर एम माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू, यही किसके बराबर होता है? बीटा एम एन के बराबर होता है। तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए पहले तो इसको ऊपर ले जाइए। तो देखिए क्या लिख लेंगे इसको, 0 टू 1 एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 5 की पावर बोलिए इंटू डी एक्स। सबसे पहले देखिए क्या करना होगा इसमें, सबसे पहले इसमें 1 माइनस एक्स बनाना पड़ेगा और यहाँ एक्स की पावर कितनी आ रही? 5। तो एक्स की पावर 5 को क्या मान लेना? वाई मान लेना। अभी जैसे क्वेश्चन किया तो इसमें किसको वाई मानना? लेट x की पावर 5 इक्वल टू कितना? y। तो x बोलिए क्या आ जाएगा यहाँ से? 1 बाई 5। डी एक्स बोलिए क्या आ जाएगा यहाँ से? 1 बाई 5 y की पावर, हाँ कितना हो जाएगा? माइनस के 4 अपोन इन टू कितना हो जाएगा? डी वाई। लिमिट भी चेंज करनी पड़ेंगी। तो ये बताइए जब x बराबर 0 है तो y बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। वहन x बराबर कितना? 0, तो y कितना आएगा? 0। फिर x बराबर कितना? 1, 1 रखेंगे तो बताना क्या आएगा? वहन x इक्वल टू 1, तो y बराबर जब भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो इंटीग्रल देखिए क्या बन गया यहाँ पे, लिमिट तो कितनी आई हुई है? 0 टू 1 ही आई। x की जगह क्या रखना? y की पावर 1 बाई 5। तो बताना y की पावर क्या हो जाएगा? y की पावर हो जाएगा 2 बाई 5, 1 माइनस y की पावर माइनस के dx का मान और रख दीजिए 1 बाई 5, 1 बाई 5 y की पावर माइनस 4 अपॉन 4 बाई 5 इंटू डी वाई। 1 बाई 5 कॉन्स्टेंट है ना, तो ये इंटीग्रल से बाहर आ गया 1 बाई 5 0 टू 1। इनको जोड़ लीजिए, इसे से जोड़ेंगे तो 2 बाई माइनस के क्या बचेगी? 1 माइनस y की पावर इंटू डी वाई। देखो क्या होना चाहिए इसमें, अभी मैंने कई बार बता दिया 0 टू 1 होना चाहिए, x की पावर 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स होना चाहिए। तो ऐसा लगभग कुछ तो बन गया है ना, पर एक्स की पावर क्या होना चाहिए? एम माइनस 1। एम माइनस 1 है क्या अभी? तो क्या करना पड़ेगा? एक जोड़ना और एक घटाना पड़ेगा। इसमें भी एन माइनस 1 होना चाहिए, इसमें भी क्या करना पड़ेगा? एक जोड़ना पड़ेगा और एक घटाना पड़ेगा। तो चलिए बताइए क्या आ जाएगा, 1 बाई 5 0 टू 1 y की पावर माइनस के 2 बाई 5 प्लस 1 माइनस 1, 1 माइनस y की पावर प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी वाई। 1 बाई 5 0 टू
y की पावर बोलिए 3 बाई 5 प्लस के हो जाएगा ना, माइनस 1, 1 माइनस y की पावर 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू डी वाई। एक्सप्रेस करना इसको बीटा फंक्शन में। अब ध्यान देना सब यहाँ पे 1 बाई 5, एम की जगह कौन है 3 बाई 5, एन की जगह कौन है 1 बाई 2, तो बीटा कितना आ जाएगा 1 बाई 2। तो एक्सप्रेस कर दिया हमने इसको बीटा फंक्शन। थर्ड पार्ट खुद कर लेंगे ना, थर्ड पार्ट इसका खुद करना, ठीक है। अब जल्दी से इसको सब लोग नोट कर लीजिए। इसका जो थर्ड पार्ट दिया मैं लिख देता हूँ, वैसे तुम कर लोगे इसको। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। यदि अभी तुम्हारे पास बुक नहीं है तो ये है इसका थर्ड पार्ट, 0 to 1, एक्स की पावर एम माइनस 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। कर नहीं सकते क्या इसको? एक्स स्क्वायर को क्या मान लेना, वाई मान लेना, हो जाएगा ना ये। नेक्स्ट देखिए तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, प्रूव दैट। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए क्या सिद्ध करना, प्रूफ दैट लिमिट दे रखी इन्होंने 0 से लेके कितनी लिमिट दे रखी a, हाँ बोलो क्या, a माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। और बोलिए इक्वल टू क्या सिद्ध करना, a की पावर m प्लस n माइनस 1 बीटा बीटा एम एन। बीटा कितना, एम एन। और बीटा का ये फार्मूला भी याद रखना, बीटा एम एन का लिख लेना वहाँ प्रॉपर्टीज में, मैंने शायद वहाँ लिखा है नहीं, तीसरा पॉइंट लिख लेना, ये बराबर होता है गामा एम गामा एन बटी गामा एम प्लस एन। अभी आएगा गामा फंक्शन, आगे आएगा, आगे बता दूंगा कैसे आया ही गामा, तुम्हारे लिए भी बिल्कुल नया है ही, ठीक है। देखो तीसरी वहाँ पे लिख लेना, थर्ड प्रॉपर्टीज में लिख लेना, बीटा एम एन बराबर इसके होता है, यदि तुम्हारे सामने गामा एन प्लस वन है और एन कोई इंटीजर है तो ये याद रखिए ये बराबर फैक्टोरियल एन के होता है। यदि गामा कितना, एन प्लस वन बराबर किसके होता है, फैक्टोरियल एन। पर ऐसा कब होता है, यदि एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, हियर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। अभी गामा की डेफिनेशन लिखाऊंगा और तब बताऊंगा। अभी जैसे हम अभी तो चलो मैं ये बता देता हूँ, यदि तुम्हारे सामने आ गया गामा 5 का मान बताइए, इससे एक कम करके फैक्टोरियल आ जाएगा, तो फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 4। और भैया फैक्टोरियल तो तुम जानते ही हो, फैक्टोरियल क्या जानते हो, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो यदि गामा 5 है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी, ठीक है। तो इसको प्रॉपर्टीज में चाहो तो लिख लीजिए, क्योंकि इन्होंने आगे भी लिख रखा है, इन्होंने इसमें गामा में भी दे रखा, क्या भी सिद्ध करना है, ए की पावर एम प्लस एन माइनस 1 गामा एम इंटू गामा एन बटी गामा कितना एम प्लस एन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 2। ये करना कर लिया नोट किया सबने, चलिए तो इसमें कौन सी साइड ले लीजिए,
ये साइड ले लीजिए, या नाउ प्रूफ देखिए, ठीक है, ये वाला इंटीग्रल ले लीजिए, लेट इस इंटीग्रल को कुछ मान लीजिए, आई मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तीन साइड हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो ले नहीं सकते, ठीक है। तो हमने इसे इंटीग्रल को क्या मान लिया, आई, उस इंटीग्रल की वैल्यू ये भी ला के दिखाएंगे और इस इंटीग्रल की वैल्यू ये भी ला के दिखाएंगे। तो लेट आई बराबर क्या मान लिया हमने, 0 to 1 ए माइनस एक्स, 0 to a, 0 to कितना है ये a, 1 - x की पावर n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 इंटू dx। तो ये देखो बीटा में लाना, बीटा फंक्शन में लाना इसको, तो कोई बताएगा इसमें बीटा फंक्शन में लाने के लिए 1 - y की फॉर्म होनी चाहिए, क्या कोई बताएगा इसमें x बराबर क्या मानना चाहिए, कोई भी बोलिए x बराबर इसमें क्या मानना है कि 1 - y की फॉर्म बन जाए या 1 - x की फॉर्म बन जाए, ठीक है। इसमें हमें मानना चाहिए क्या, x बराबर मानना चाहिए हमें इसमें ay। देखिए क्या फ़ायदा होगा ay मानने से, यहाँ ay रख देंगे कॉमन कितना जाएगा, तो 1 - y बचेगा, नहीं बचेगा, बात समझ में आई। तो x बराबर क्या मानिए इसके, इसमें क्या मानिए ay, लेट x इक्वल टू क्या मान लिया हमने ay, dx बोलिए ए डी वाई, लिमिट चेंज कर लीजिए, वहन x बराबर कितना, लोअर लिमिट देखो, जब x बराबर कितना 0 तो y बराबर कितना आएगा 0, वहन x इक्वल टू कितना a, y बराबर a से a कट के क्या जाएगा 1 आ जाएगा। और बीटा फंक्शन में लिमिट भी इंटीग्रल में क्या होनी चाहिए 0 to 1, इक्वल का साइन है। तो लिमिट कितनी आ गई हमारी, तो यहाँ ध्यान दीजिए सब, लिमिट कितनी आ गई 0 to 1, एक्स की जगह क्या रखना ए वाई रखना, तो बोलो क्या आएगा यहाँ से a माइनस ए वाई की पावर n माइनस 1, एक्स की जगह रख दो, x की जगह क्या रख देंगे ए वाई की पावर, बोल लो डी एक्स का मान रख दो ए डी वाई, सब यहाँ ध्यान देंगे, इसमें कॉमन बोल लो a, तो a की पावर कितना बाहर निकलेगा, a की पावर कितना n माइनस 1, दोनों n है या एक आधा m भी है, m भी दे रखा, कोई सा m होगा, शुरू वाला m है, अरे शुरू वाला क्या है ये m है, तो यहाँ भी क्या आएगा ये m, ठीक है। तो यहाँ पे कर लीजिए सही, कितना है ये m, कॉमन कितना लेंगे यहाँ से a, तो a की पावर कितना निकलेगा m माइनस, a की पावर कितना, तो इंटीग्रल के बाहर बता दीजिए a की पावर m माइनस 1 तो यहाँ से आया है ना, और a की पावर कितना कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, लिमिट बोलो 0 to 1 1 - y की पावर m माइनस 1 y की पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई, ए अच्छा ए डी वाई का ए भी रह गया, चलो बाहर ले लो सीधा, ए डी वाई आता तो यहाँ क्या आ जाएगा इंटू ए, पावर जोड़िए ये ए की पावर, यहाँ एक है यो एम प्लस एन, इंटीग्रल 0 to y को पहले लिख लीजिए, y की पावर 1 - y की पावर इंटू डी वाई, ठीक है। तो a की पावर कितना m प्लस एन माइनस 1, बीटा किसके बराबर बचेगा एन एम, जो पहले उसको लिखते हैं बीटा एन एम, और बीटा एन एम किसके बराबर होता है, अरे बीटा एन एम किसके बराबर होता है, ये बीटा एम एन के बराबर होता है,
तो बताइए क्या जाएगा यहाँ से, ए की पावर एम प्लस एन माइनस वन बीटा बीटा एम एन। अब बीटा एम एन का मान भी रख देंगे गामा में, तो ये भी आ जाएगा। बीटा का मान बताना गामा में क्या होता है, गामा एम इंटू गामा एन बटे गामा एम प्लस एन, तो वो भी आ जाएगा। तीसरे वाला भी आ जाएगा, जो लास्ट वाला वो भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, वैल्यू रख दीजिए किसकी, बीटा एम एन की, गामा में, गामा एम इंटू गामा एन बटे गामा एम प्लस एन, तो लास्ट वाला भी सीध हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर थर्ड देखिए। चलिए एग्जांपल नंबर थर्ड, पेज नंबर है ये I-90। एग्जांपल नंबर थर्ड, ठीक है, सो दैट सिद्ध करना हमें ये, एम और एन तो दे रखी है इन्होंने, आर पॉजिटिव, तो ये सिद्ध करना है ए टू बी एक्स माइनस ए की पावर एम माइनस वन इंटू बी माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स बराबर बी माइनस ए की पावर एम प्लस एन माइनस वन बी एम एन बीटा एम एन, ये सिद्ध करना। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, यहाँ से LHS ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 0 टू a x माइनस ए की पावर a टू b, a टू b है, अरे लिमिट कितनी है, a टू b x की पावर m माइनस वन b माइनस x की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स। सब ध्यान देंगे अभी यहाँ पे, x को हमें ऐसा मानना कि लिमिट तो आनी चाहिए 0 से लेके 1, लिमिट तो क्या आनी चाहिए 0 से लेके 1, और यहाँ बनना चाहिए 1 माइनस वाई की फॉर्म। तो देखिए हम इसमें x बराबर क्या मान लेंगे, ऐसा लेट x बराबर b प्लस, नहीं सुन लो सुन लो, अभी देखिए a प्लस b माइनस a इंटू वाई, एक मिनट अभी ध्यान देना, यदि ये मैंने यहाँ रख दिया, ध्यान देना भी ये वैल्यू कहाँ रख दी, इसमें रख दी मैंने, तो देखिए क्या बनेगा, एक मिनट भाई, बी है ये रखना, माइनस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बी माइनस कितना आ जाएगा, ए इंटू में कितना आ जाएगा, वाई की पावर कितनी, कॉमन कितना आएगा यहाँ से, जब b माइनस ए कॉमन आएगा तो 1 माइनस वाई नहीं बचेगा। अब लिमिट क्या बचनी चाहिए, 0 टू 1, यहाँ ध्यान दो सब, ठीक है, अरे ये वाला भी एडजस्ट करना, x बराबर यदि तुम बी वाई मान लोगे तो भैया इसको भी तो एडजस्ट करना, ठीक है, और लिमिट क्या भी लानी, 0 टू 1 भी लानी, तो x बराबर बी वाई मान के 0 टू 1 नहीं आएगी लिमिट। अभी यहाँ देखो जरा, मैं x बराबर क्या रखूँगा यहाँ, a, जब x बराबर a रखूँगा तो a में से a गया 0, तो y बराबर क्या आएगा 0, फिर मैं x की जगह क्या रखूँगा, जब यहाँ b रखूँगा तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, b माइनस a, और b माइनस a से b माइनस a कट गया 1 आ जाएगा, तो लिमिट कितनी आ जाएगी 0 टू 1, तो लिमिट भी 0 टू 1 आनी चाहिए, और यहाँ 1 माइनस वाई भी बचना चाहिए, तो ये तो भैया खुद ही हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड है मानना। पता कैसे लगेगा ये, मतलब एक तो लिमिट देखो, इसमें जो बनना चाहिए सुनो, लिमिट बननी चाहिए कितनी, 0 टू 1 बननी चाहिए, एक्स की पावर एम माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी वाई। अरे इसको एक्सप्रेस करना किस में, हमें बीटा फंक्शन में, तो बीटा फंक्शन में लाने के लिए ऐसा बनना चाहिए, ठीक है, तो कुछ भी रख दो तुम, मैं ये नहीं कहता कि तुम यही रखो, बनना चाहिए बस ये बनना चाहिए। तो अभी मैंने रख के देखा, इसमें रख के देखा, तो लिमिट भी क्या बन रही थी, 0 टू 1 बन रही थी, ठीक है, और 1 माइनस एक्स की पावर भी बन रहा था, और ये भी बन जाएगा,
तो यहाँ dx बताना, इसका डिफरेंशिएशन करना, dx कांस्टेंट का तो क्या हो जाएगा जीरो, तो क्या बचेगा b माइनस a इंटू डी वाई। लिमिट चेंज करिए, वहन x बराबर क्या रखना a, x इक्वल टू कितना रखना a, जब a रखेंगे तो a में से ये जाएगा जीरो, ये जीरो में चला जाएगा, तो y बताइए क्या आएगा, y बराबर जीरो, वहन x इक्वल टू कितना b, यहाँ b रखेंगे इधर आएगा b माइनस a, और b माइनस a से b माइनस a कट जाएगा, तो y क्या आया वन आया, तो लिमिट कितनी आई जीरो से वन। ठीक है, तो रखना इसमें इंट्रीगल, देखिए क्या बनेगा, ये लिमिट बन गई कितनी जीरो से वन, x की जगह क्या रखना, रख दो यहाँ a प्लस b माइनस a इंटू वाई माइनस ए की पावर, और बोल दो की पावर कितनी m माइनस वन, यहाँ भी रखो b माइनस a, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, माइनस जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, b माइनस a इंटू की पावर बोलिए n माइनस वन। dx का मान ना रखेंगे, dx का मान क्या जाएगा b माइनस a इंटू डी वाई, क्या कट जाएगा यहाँ a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बताना इसकी पावर अलग कर लेंगे, b माइनस a की पावर कितनी, यहाँ से कॉमन बोलना b माइनस a कॉमन लेंगे तो कितना आएगा b माइनस की पावर n माइनस। ठीक है, तो आगे तो शायद इतनी लंबी लाइन आएगी नहीं, चलो देखते हैं, यहाँ देखिए ज़रा थोड़ी जगह है यहाँ पे, हाँ तो मैंने क्या बताया यहाँ से, तो क्या आ गया b माइनस a की पावर, अरे यहाँ देखो m माइनस वन, यहाँ से बोलो इससे जब निकलेगा b माइनस a की पावर n माइनस वन, ये भी बाहर ले आओ b माइनस a इंटू में बोलिए, इंट्रीगल में बोलिए ज़ीरो टू वन y की पावर m माइनस वन इंटू एन माइनस वन इंटू डी वाई, एन माइनस क्या आएगा यहाँ पे वन आएगा, इन्हें जोड़ना ज़रा बाहर है कितना b माइनस a की पावर m प्लस एन माइनस वन, और ये क्या बना लेगा बीटा m n, कौन साइड आ गई राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड करिए। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इस एग्जाम्पल को, चलिए इसका फोर पार्ट, ठीक है इसका जो फोर पार्ट है वो नहीं करना इसका, ठीक है तो इसका केवल यही पार्ट करना, जो एग्जाम्पल फोर है ठीक है वो नहीं करना, तो इसके बाद आएगी अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, ठीक है चलिए उसको हम बताएंगे कल। और देखिए जो कंप्लीट कोर्स है ये एप्लीकेशन पे कराया जाएगा, ठीक है तो इसकी जो कुछ वीडियो हैं वो ही तुम्हारे YouTube पे आएंगी, सारी वीडियो YouTube पर नहीं आएंगी, कंप्लीट कोर्स जो कराया जाएगा हमारा एप्लीकेशन का नाम है PCM गुरु, ठीक है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जो फीस होती है पर बुक, ये दो पार्ट हैं ठीक है, बीएससी फर्स्ट सेम में दो पार्ट हैं, एक तो ये रहा ठीक है इंट्रीगल कैलकुलस और इससे पहला डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है तो इसकी जो एक पार्ट की फ़ीस है वो मात्र 1200 रुपये पर बुक फीस है। ठीक है तो जिसको भी इन बुक का कोर्स परचेज करना हो वो इस नंबर पे 9690224488 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और ये कोर्स परचेज़ कर सकते हैं।
जो वीडियो हैं सारी, ठीक है, मान लिया एप्लीकेशन पे ही लाइव क्लास चलती हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो साथ के साथ पूछ सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन पे जो तुम्हारी क्लास चलती हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस चलेंगी, कोई भी प्रॉब्लम हो वहाँ साथ के साथ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जिस किसी को भी कोर्स परचेज करना हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करना, ठीक है। और ये जो क्लास है तुम्हारी BSc फर्स्ट सेम की क्लास है, ठीक है, इसके दो पार्ट हैं, ठीक है, मैंने बता दिया तुम्हें, पहले भी दिखा दिया, और थोड़ा देख लीजिए नज़दीक से, इंट्रीगल कैलकुलस, ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है, ये कृष्णा प्रकाशन की बुक है ये, ठीक है। तो ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके फ़ीस जमा करने के लिए एक QR कोड ले लेना व्हाट्सएप पे ही, उस QR कोड पे फ़ीस सबमिट हो जाती है, और फ़ीस सबमिट करने के बाद आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ठीक है, तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि आपकी फ़ीस सबमिट हो गई है, ठीक है। तो जो भी जिसको भी कंप्लीट कोर्स लेना हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।